a few minutes later. Hi everyone, welcome back to another vlogging video. कैसे हो आप सब? Hope करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. मैं मेरी क्यूट से फैमिली बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है. तो प्लीज आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को आज का आउटफिट मेरा कैसा लग रहा है. और हाँ, आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल देखकर कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है. तो जी हाँ, मेरी और आपके जीजू की लव स्टोरी के ऊपर होने वाली है वीडियो. तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे ही अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट गेट स्टार्ट. अभी मेरे पास ना कोई सेटअप वगैरह नहीं है कि मैं फोन को साइड में रख के आप लोगों के साथ बातें शेयर करूं. तो मैं ऐसे ही अपनी सारी स्टोरी शेयर करूंगी अपने हाथ में लेके फोन. और तो और प्लीज, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है. तो आप लोग प्लीज वीडियो को ना लाइक कर दिया करो और कमेंट करके प्लीज प्लीज ये वाली वीडियो को तो जरूर बताना कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी. और हाँ, इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो प्लीज वो भी कमेंट करना. और तो और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे. और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ तो शेयर करना ही करना. तो चलो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं हूँ पिंकी और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ. और ऐसे ही इस चैनल पे मेरे ब्लॉग्स, वीडियो खाने से रिलेटेड और तो और प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. तो प्लीज आप लोग इस वाले चैनल को जरूर जरूर चेकआउट जरूर करना. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी. सबसे पहले अपनी वीडियो को मैं ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं याद, जितना मुझे याद है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बाकी जैसे मुझे याद आता रहेगा वो बाकी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी. आप लोगों को दिल से थैंक यू कि आप लोग मुझे सजेस्ट करते हो कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग्स लेकर आने चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर नहीं. तो प्लीज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ तो ये इंस्टाग्राम की है. सबसे ज्यादा मेरे क्वेश्चन आए थे कि आप लव स्टोरी और प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड. तो मैं दोनों कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करने की. और तो और बाकी मैं अपनी आज शेयर कर रही हूँ अपनी लव स्टोरी. बाकी चलो स्टार्ट करते हैं. मेरे को जितना मुझे याद है मैं उतनी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. और तो और बात करते हैं अपनी. मैं हॉस्टल से आई थी, मैं हॉस्टल में पढ़ती थी तो मेरी मम्मी जब मुझे लेकर ही आई थी तो तब हम यहीं पर रहते थे मुकदपुर में रेंट पे. तो मतलब मैं अपने पापा के साथ रहती थी और मम्मी और मुकदपुर में रहती थी. मेरी दो सिस्टर और मम्मी मुकदपुर में रहती थी, मैं मेरा भाई पापा के पास. तो मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल से लिया नहीं था तो इसी वजह से मैं हॉस्टल में पढ़ती थी. तो वहाँ मुझे पढ़ाई की जगह ना काम करवाते थे हॉस्टल का. तो इस वजह से मेरी मम्मी को पता चला तो मेरी मम्मी मुझे लेकर आ गई अपने साथ प्लेस वगैरह वगैरह ले जाके. तो मेरे को वहाँ से कुछ भी मेरा प्रूफ वगैरह या फिर मेरे जो भी कपड़े सामान वगैरह जो भी था वो सब मुझे नहीं मिला. मेरी मम्मी कह रही मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस मेरी बेटी मुझे दे दो. मेरी बेटी अपने शोर में जा रही है तो प्लीज़ आप लोग ना इग्नोर करना. तो इसीलिए मेरी मम्मी ने फिर वहाँ से मुझे निकाल लिया था. तो मैं सीधा अपनी मम्मी के साथ पूरा आ गई थी, मतलब यहीं पर अपने घर पर. तो इसी वजह से तो फिर उसके बाद में मेरे को मिलते हैं आपके जीजू है ना. मतलब मुझे नहीं मिलते हैं, उनको मैं मिलती हूँ. क्योंकि उस टाइम पे ना मैं सच बता रही हूँ कि मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं थी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी होता है कुछ. मैं आई थिंक 15 या 16 साल की होंगी. इतनी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पक्के वाला बोल रही हूँ कि मुझे सब मैं कुछ नहीं पता था कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होते हैं. हाँ मतलब इतना तो पता था कि होते हैं, लेकिन बट अपने बारे में नहीं पता था कि मेरा भी कभी होगा या बनेगी मैं. तो इसी वजह से तो तुम्हारे जीजू ने मुझे ऑप्शन दिया था कि मतलब आपके जीजू ने मुझे बोला था. तो मैंने उसको ना मतलब फन वे में ले जाती थी हमेशा, ना हंसती रहती थी इस बात को सुन के क्योंकि मैं इन चीज़ों में ना कभी गई नहीं हूँ सच बताऊँ तो. तो फिर मैं इस चीज़ को ना हमेशा मजाक में ले जाती थी. तो मेरी मासी की बेटी हमेशा मेरे घर रहने आती थी छुट्टियों में, तो वो आई हुई थी. तो जो भैया हैं जहाँ से हम लोग दूध वगैरह लेने जाते थे ना, तो वो भैया ना हमेशा मुझे कहते थे भाभी जी. तो मैं कहती थी मुझे भाभी जी क्यों कहते हो भैया? तो वो कहते थे ऐसे ही मेरे दोस्त को ना तुम पसंद हो. तो मैं कहती थी भैया मेरा नाम ले लिया करो, ये भाभी जी मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता. क्योंकि इन चीज़ों में मैं सच बता रही हूँ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं इन चीज़ों में कभी नहीं घुसी.
तो फिर कोई बात नहीं, तो यहाँ से कोई नहीं, पार्ट खत्म हो गया। तो ना मेरे मम्मी के आसपास, मतलब मम्मी के देखे हुए मैं ये थे, तो मम्मी के कभी भी फोन खराब होता था, क्योंकि फोन पे ही काम करते हैं, तो मेरी मम्मी का कभी भी फोन वगैरह खराब होता था या फिर कुछ काम वगैरह करवाना होता था तो इन्हें ही बुलाती थी हमेशा। मैं हॉस्टल में थी तब भी इनको ही बुलाती थी, ये नहीं है कि मेरे बाद ही बुलाया, नहीं ऐसा नहीं है, पहले से बुलाती थी। तो मेरी मम्मी ने इनको बुलाया, तो एक बार ये मेरे घर पर आए थी, तो मैं अपनी सिस्टर को कहने लगी, मतलब जो मेरी मासी की बेटी है मैं उसको कहने लगी कि ये तेरे लिए आते हैं, तो वो कह रही चल तू पागल है। तो मैंने ना ऐसे ही करते रहते थे, फिर कोई बात नहीं, फिर क्योंकि मैं इन चीज़ों में कभी घुसी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो एक बार ज़रूरत पड़ गई थी हम लोगों को फ़ोन की, तो उन्होंने ना मुझे फ़ोन दे दिया था, तो वो मैंने गेम वगैरह चलाने के लिए या फिर मेरा ना सबसे ज़्यादा शौक था फ़ोन में गाने सुनने का, तो मैंने फ़ोन लिया था गाने सुनने के लिए, तो उन्होंने दे भी दिया, मुझे नहीं पता किसने दिया किसने नहीं, तो उन्होंने दे दिया। और मेरी सिस्टर को काम था, लेकिन अब मैंने अपना खुल के बता दिया, मेरी सिस्टर को काम था, तो लेकिन मैंने उनसे वो फ़ोन ले लिया, तो उन्होंने दे दिया था। अब ये अब देखो हकीकत बात है, कोई ऐसे तो किसी को फ़ोन देगा नहीं, तो मैंने सोचा बड़ी आसानी से मुझे फ़ोन मिल गया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया। फिर ना कुछ बात हो गई थी, तो उसमें ना तीन चार नंबर मिले थे, तो जब मैं इन चीज़ों में नहीं थी तो मैं ना रोने लग गई, मेरे को ऐसा लग रहा था कि होता है ना बड़ा भाई या फिर कोई डांट देता है तो फिर रोना आता, तो मैं ना ऐसे ही रो रही थी, मैंने लगा मैंने ऐसे करा ही नहीं है तो मैं कैसे बता दूँ ये सब। तो कह रहे हैं मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो भी है अब आप लोग समझ रहे हो ना, मैं पूरा चीज़ खुल के नहीं बता सकती, बाकी ठीक है। तो इस सब बात को काटते हैं, फिर हम लोगों की मेरी सिस्टर है बड़ी, मतलब मामी जी की बेटी है मेरी, जिनके अभी दो बच्चे हैं, तो उनकी शादी में हम लोग गए हुए थे, तो मेरा बर्थडे भी आता है उस टाइम पे, तो मेरी दीदी की शादी थी 1 फरवरी की और मेरा बर्थडे आता है 3 फेब को, आप लोगों को भी पता चल जाएगा मेरा बर्थडे 3 फेब को आता है। तो हम लोग गए थे अपनी सिस्टर की शादी में, तो मेरी मम्मी ने इनको भी इनवाइट किया हुआ था, तो ये आए थे अपने यार दोस्तों के साथ, तो इन्होंने ना उस दिन मेरी फर्स्ट टाइम फोटो खींची थी अपने साथ मेरी दीदी की शादी वाले दिन। तो मेरे बड़े पापा है ना गुस्सा होने लग गए कि हमारे बेटियों के हाथ पकड़ के खींच रही है वो, तो मम्मी कह रही है मेरे बेटे के जैसे हैं, तो इसलिए फिर कुछ नहीं कोई बात नहीं, ये बात यहीं खत्म हो गई, वो अपने घर चले गए मैं अपने घर आ गई। तो फिर ना हम लोग अपने घर आए ना, जब अपनी दीदी की शादी वगैरह निपटाने के बाद हफ्ते भर के बाद अपने घर आए, ये 2017 की बात बता रही, 2016 या 17 की बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो उस टाइम पर हम लोग अपने घर आए, तो मेरा बर्थडे था, तो इन्होंने ना इनको याद नहीं, तब ना ये दिन चल रहे थे, रोज डे पर्पोज डे ये सब चल रहे थे, तो उस दिन इन्होंने चॉकलेट वाला दिन था, तो उस दिन इन्होंने मुझे एक चॉकलेट दी थी लाके, और मेरे को गिफ्ट में दी थी इन्होंने वॉच, तो कह रहे थे मैं तुम्हारे बर्थडे में कुछ दे नहीं पाया, और तो और बर्थडे में मैं तुम्हारे कुछ नहीं दे पाया, तो इन्होंने मुझे वॉच दी थी। तो मैंने मना करती रही, फिर मेरे मन में ना ये थोड़ा सा आने लग गया था कि ये मेरे को अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे, तो इसलिए मैं हर चीज़ की मना करती थी। तो मेरी सिस्टर है ना, दोनों छोटी छोटी थी, मानसी और नानू जो है, तो वो लोग पता क्या करती थी, उनको ये कुछ भी लाते थे हाँ, तो वो चुपचाप से रख लेती थी, तो ऐसा था हमारे साथ। तो फिर मैं हमेशा अपनी बहनों को भी डांटने लगे कि ऐसे नहीं करना, ये वो फलाना ढूंढना, मैं अपनी सिस्टर को ना मना करती थी कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो मैं कोई कुछ भी देगा तो तुम ले लोगी, तो इस टाइप से मैं उन्हें मना करती थी। तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही दिन निकलते गए, फिर एक बार ना, मतलब मैं अपने ट्यूशन जा रही थी, तो अब ये मेरे को मिले, मतलब वो तो हो गया था साल भर के से ज़्यादा हो गया था, तो फिर ये मेरे को मिले थे जब मैं ट्यूशन जा रही थी, तो इन्होंने मुझे रोका था, ये जा रहे थे अपने जॉब पे, तो इन्होंने मुझे रोका था, तब मैं, अब वही है कि अब कोई मिल जाता तो किसी को बात, मतलब अनदेखा भी नहीं करा जाता अगर जिस इंसान को हम लोग जानते, तो इन्होंने मुझसे बात बात करी, तो मैंने भी बोला हाँ मैं ट्यूशन जा रही हूँ, बस इतना पूछा इन्होंने और मैंने इतना जवाब दे दिया कि हाँ मैं ट्यूशन जा रही हूँ। तो इन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैंने नहीं मैं क्या चली जाऊँगी, क्योंकि मैं हमेशा ना पैदल जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का रास्ता होगा तो मैं पैदल चली जाती थी, तो ये कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है छोड़ के आते हैं, तो अब मैं बैठ गई, तो मैं बैठ गई, तो इन्होंने ना मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया, तो मैंने पहले मना करा कि नहीं ये वो नहीं, तो इन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया, तो मैंने रख लिया, लेकिन कभी बात नहीं करी, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने कभी बात नहीं करी,
फिर पता नहीं ऐसे क्या बात हो गई थी, पता नहीं कुछ था। हाँ याद आ गई, तो ना मैं चर्च वगैरह जाती थी, तो मैं वहाँ ना रोल करती थी मरियम वगैरह का, क्योंकि मुझे ना वो मिला था, एक कोई परफॉर्मेंस मिला था तो मुझे वहाँ जाना था चर्च में। तो हमारे यहाँ पे ये मॉडल टाउन में चर्च था, तो वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस था। तो मैंने अपना जो वो थी ना ट्यूशन की कॉपी, तो 3-4 दिन मुझे ना वहीं रहना था चर्च में जो भी है, तो वहाँ रहना था। तो इसलिए मैं अपनी ट्यूशन की कॉपी वगैरह सब ले गई थी, क्योंकि इंग्लिश सीख रही थी मैं लेकिन जो कि मुझे अभी तक नहीं आई है। इसीलिए मैंने इंग्लिश ना मतलब अच्छी नहीं है मेरी, बिल्कुल भी पढ़ी भी नहीं जाती, मुझसे आती नहीं है इंग्लिश बिल्कुल, मतलब जीरो है मेरी इंग्लिश। तो मैंने ले गई थी, तो उस कॉपी में ना मेरे को फिर ना मेरे घर से ना मुझे कोई लेने नहीं आया था, तो मैंने ना सीधा उस दिन ना डायरेक्ट मैंने बोला हाँ कि मेरे पास ना मेरे भैया का नंबर है क्योंकि वहाँ पे जो सर थे ना उन्होंने बोला था कि आपको कौन लेने आएगा। तो मैं कुछ नहीं बोला, फिर मैंने बोला कि आपसे मैं एक बात कर सकती हूँ सर, तो कॉल पे मेरे को फ़ोन करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है लो आप बात कर लो। तो मैंने ना सीधा इनको फ़ोन मिलाया, मैंने ना आप लेने आ सकते ये वो करके, तो ये राजी हो गए तो ये कह रहे हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, कितने बजे तक आना? तो मैंने बोला शाम को आना है 7-8 बजे तक। कह रहे ठीक है मैं आता हूँ। फिर इन्होंने मुझे लेने आ गए ये मेरे को, तो हम लोग अपने घर आ गए। तो इन्होंने मुझे रस्ते में पूछा कुछ खाना है, मैंने बोला नहीं तुम सीधा घर लेकर चलो। ठीक है हम लोग घर आ गए, तो इन्होंने मम्मी के सामने मतलब मैं आई थी मम्मी के आगे, तो मैंने बोला कि मम्मी ये छोड़ने आए थे मुझे। तो और पता है कभी मेरे मुँह से ना इनके लिए भैया ही नहीं निकला, भैया ही नहीं निकला। फिर कोई बात नहीं ऐसा ना, फिर से साल बीत गया, 1-1.5 साल फिर से साल बीत गया। और मतलब अभी 2018 में आसपास हमारी इतनी वो हुई जब से मेरी मम्मी ने मेरी सगाई वगैरह कर दी इनके साथ, क्योंकि मेरी मम्मी को ये पसंद थे इसी वजह से, क्योंकि ना मेरे बारे में ना झूठी अगवाई फैलाई जा रही थी जहाँ पे मतलब हम लोग रेंट पे बहुत साल से, जब से मेरी बहन 4-3.5 साल की थी और अब वो 18 साल की होने वाली है, छोटी वाली की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। जब से लेकर अभी तक हम लोग रेंट पे ही रह रहे हैं मम्मी और के यहाँ पे भी, और मैं अपना ससुराल आ गई तब भी। तो फिर मैं ना वहीं रेंट पे रहती थी, तो वहाँ ना उनका भी जो मकान मालिक था उनका बेटा था। अब उनके बारे में एक मेरे ऐसी गली में आस पड़ोस में आप लोगों को पता ही है कि कैसे जल कुकड़े लोग होते हैं, तो उन्होंने ना मेरे बारे में आपके जीजू को गलत गलत बोल दिया था कि ऐसे सेटिंग चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब मैं गाइस अगर गलत नहीं हूँ ना तो मैं नहीं सुन सकती अपने बारे में, अगर गलत हूँ तो मैं पिट लूँगी शांति से सुन लूँगी, लेकिन मेरे को अपने आप को गलत सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और ना ही मैं कभी किसी गलत इंसान का साथ देती और ना ही मुझे गलत बोलना पसंद है। इसी वजह से तो मैं ना, क्योंकि इनने मुझे फ़ोन करा आपके जीजू ने, मतलब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मतलब ऐसे ही फ़ोन करके ये मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगे, मतलब बात बात नहीं करते थे हम लोग। तो इन्होंने उसी दिन मुझे फ़ोन किया, तो मैं ना उस दिन थी शायद होली होली का टाइम चल रहा था, तो मैं ना रोने लग गई थी क्योंकि मैं गलत नहीं होती ना, तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मुझे गलत बोले। तो मेरी मम्मी थी उस टाइम पर, मेरी मम्मी का क्योंकि हम लोग बनाते हैं गुंजिया, याद आ गई होली का ही टाइम था तो गुंजिया ही बना रहे थे, तो मेरी मम्मी बोलती क्यों रो रही है। तो मैंने ना फ़ोन काट दिया था मम्मी के डर की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना मैं जॉब वगैरह करने लगी थी ना, तो मम्मी ने मेरे को फ़ोन दिला रखा था, तो छोटा वाला फ़ोन था वही कीपैड वाला, तो मम्मी ने मुझे फ़ोन दिला रखा था क्योंकि मैं जॉब वगैरह करती थी। फिर मम्मी ने इनको फ़ोन करके पूछा, तब पता चला कि ऐसे से मेरे बारे में अगवाई फैलाई जा रही है गलत गलत। तो मेरी मम्मी ने ना कुछ नहीं पूछा इनसे, कुछ भी ना मेरे से पूछा ना इनसे पूछा, तो इनसे सीधा बोला कि तुमने मेरी लड़की को वैसे ये बता दो इस बात के लिए तुमने मेरी लड़की को फ़ोन किया, वो रो रही है ये वो। तो इन्होंने मेरी मम्मी से डायरेक्ट बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ ऐसे करके। तो मेरी मम्मी ने बोला अपनी फैमिली से एग्री करो ये वो फलान डिंगना, मुझे कोई वो नहीं है। तो मेरे फैमिली रिलेटिव्स में सब में पता चली, तो मेरी मम्मी कह रही है कि मैंने सब देखा हुआ है लड़का ये वो, मतलब मम्मी का देखा हुआ है। कहते हैं ना अरेंज टू लव, जैसे होती है लव टू अरेंज, तो मेरी अरेंज टू लव है। तो ऐसे ही करके मेरे साथ हुआ, फिर जल्दी जल्दी मेरी अंगेजमेंट हुई थी 2019 में, मेरी अंगेजमेंट हुई थी 15 नवंबर को मेरी सगाई हुई थी। और वो उस दिन तो पता है आप लोग, जिस दिन ये लोग मेरे मतलब ससुराल वाले मेरे को पक्का करने आए थे, सच बता दिए तो कभी ना कभी भी पापा की याद आ ही जाती है।
और तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रोई थी जब मेरे ससुर ने जो भी होता है ना वो सामान वगैरह दिया था मेरे हाथ में, और बहुत ज़्यादा मेरे को इतना रोना आया था सच बता रही हूँ। मेरी सिस्टर और भी, पता है जब जिसके ऊपर ये चीज़ बीतती है ना, जिसके पापा नहीं होते वो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। और तो मेरी वो सिस्टर है ना सारी जो भी थी वो हंस रही थी, मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगी। तो मेरे को उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। उस दिन मुझे अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा भाई भी बहुत छोटा था। तो कोई बात नहीं, सगाई हो गई, उस सगाई के एक साल बाद मेरी सगाई हुई, हमारी शादी एक साल बाद हमारी शादी हुई 2020 में। हाँ 2020 में हमारी शादी हुई थी, 17 दिसंबर 20 में मेरी शादी हुई थी। तो जी हाँ, अब आप लोग तो समझ गए होंगे अब मेरी मैरिड हो चुकी है। बाकी चलो आप लोगों को होप करती हूँ मेरी हाँ से लेके और ये शादी तक की लव स्टोरी पसंद आई होगी, क्योंकि मेरा हाथ में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। आगे का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी शेयर करूंगी, और होप करती हूँ आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी मेरी ये लव स्टोरी जान के। और प्लीज गलत कमेंट मत करना, आप लोगों को कमेंट में अगर क्वेश्चन मन में चल रहा हो तो प्लीज जरूर जरूर पूछ सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन गलत कमेंट प्लीज मत करना, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वाले ब्लॉग्स वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को पार्ट सेकंड में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।